नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के ब्लॉग में। तो आज मैं आपको लेके आया हूँ ऐसी जगह पे जो कि फेमस है इंडिया में कहीं जगहों पे, ये सिर्फ दिल्ली में नहीं है, इसके अलावा इसकी चार जगह पे और इंडिया में, जैसे मथुरा, वाराणसी, उज्जैन, जयपुर, जिसमें जयपुर दुनिया का सबसे बड़ा सनडायल है। आज हम आए हैं जंतर मंतर में। देखो जंतर मंतर ये जो बना हुआ है, ऐसा अलग अलग लोकेशन में बना है, पांच लोकेशन पे। इसको बनाया था महाराजा जय सिंह टू जो जयपुर के थे 1724 में। इसका पीछे बनाने का पीछे कारण क्या था? अभी बता दे। देखो कारण ये था कि उस ज़माने में टेक्नोलॉजी नहीं थी। अभी से 300 साल पुरानी की बात है ये, कि आपको पता नहीं था कि सूरज की, चांद की, सितारों की, अलग अलग प्लैनेट्स की दिशा क्या है, कैसे मूव करते हैं, क्या उसकी लोकेशन है। तो वो सब इन सब इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से फाउंड करा गया। डेफिनेशन क्या है ये सब इंस्ट्रूमेंट? वैसे दिखने में आपको भले कुछ भी दिखते हो, पर हर एक इंस्ट्रूमेंट का अलग अलग रोल है। अच्छा, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आता है और ये पूरी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है। टाइमिंग की बात करें तो सुबह 6 से शाम को 6:30 बजे तक खुला रहता है। नज़दीकी मेट्रो स्टेशन है जो कि कन्नौट प्लेस के पास में है, पटेल चौक। और प्राइस की बात करें तो कैश और कैशलेस दोनों है। सही पकड़े हैं। अगर कैश लेके करते हैं तो 25 रुपये पड़ेगा एज ए इंडियन और 20 रुपये कैशलेस, और फॉरनर्स के लिए 250 रुपये कैशलेस। ये क्या बदतमीजी है? बात करें कौन से मटेरियल से बनाए, तो ब्रिक हो गया, लाइमस्टोन हो गया, ऐसे कुछ मटेरियल्स हैं। क्या बात है सर। पर अब क्या है, अब अगर देखो तो नया मॉडर्न टाइम आ गया, तो इसमें आसपास बिल्डिंग बन चुकी है। तो बिल्डिंग बन गई है तो इनका यूज़ कम हो गया क्योंकि टेक्नोलॉजी आ चुकी है। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बने ना, इसमें 13 अलग अलग प्रकार के इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें से 4 इंपॉर्टेंट है, राम यंत्र, मिश्र यंत्र, जयप्रकाश यंत्र और सम्राट यंत्र। क्या बोला? जो अलग अलग चीज़ों का अलग अलग रोल है। अगर आप प्रोफेशनल फोटोग्राफर हैं जैसे कैमरा लाते हैं तो उसके लिए अलग चार्ज है, 25 रुपये एडिशनल है। क्या हुई? सबसे पहले हम आए हैं मिश्र यंत्र में। तो ये मिश्र यंत्र के पास में दो पिलर्स हैं जिनका उस टाइम में यूज़ होता था, और ये है मिश्र यंत्र। आप देख सकते हैं थोड़ा हार्ट शेप पे, इसके आसपास दोनों साइड में तो अलग अलग दिया हुआ है। ग्रेजुएशन है, जो ग्रेजुएशन दिखाता है कि आवर्स, मिनट, सेकेंड्स, घड़ी के कांटे होते हैं ना, वैसे दिखाता है। और ये हार्ट शेप में आपको क्लियरली दिख रहा होगा, तो इसका यूज़ कुछ अलग प्रकार से है। हर लोकेशन पर अलग अलग ग्रेजुएशन हैं, सीढ़ियाँ बनाई हुई है। पर देखो इसका मेन यूज़ ये था कि आपको पता करना हो दिन का टाइम या नून टाइम जो भी होता था बताता था। भाई ये जो चढ़ाव बने हुई है ना, ये ऐसे नहीं बनाई गई है, ये ग्रेजुएशन है। मतलब ये बताते हैं कि मिनट, आर, सेकंड होता है, उसके कांटे होते हैं जैसे घड़ी में, वैसे बताते हैं, उस ज़माने की बात है। ये सम्राट यंत्र के 3 साइड हैं, सेंटर, ईस्ट, वेस्ट। हाँ भाई, तो ये है सम्राट यंत्र। देखो ये सेंटर में है, एक ईस्ट साइड में, एक वेस्ट साइड में। तो इसका काम क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ऊपर कोई एस्ट्रॉयड आ रहा है, हमको पता करना है उसकी लोकेशन की, वो कब, कितनी दूर पे है, कैसे है, तो ये पता करते थे उस टाइम पर। और इसकी एक्यूरेसी बहुत फास्ट है, ये पता कर सकते हैं कि एग्जैक्ट उसकी लोकेशन क्या है, प्रिसाइज होती है 2 सेकंड तक की। भाई इन्होंने ना हर जगह स्लोप दी हुए हैं, यहाँ पर भी स्लोप है और मैं इधर चल रहा हूँ यहाँ पर भी स्लोप है, तो ये ड्रेनेज के लिए भी है और इसका कुछ यूज भी होगा। टॉप व्यू से पूरा फ्लैट दिखता है। बेटा तुम चाहते क्या? हेमिस्फेरिकल उधर पोर्शन है और ये दूसरा हेमिस्फेरिकल। ये जयप्रकाश यंत्र है, ये हेमिस्फेरिकल होता है ऐसा, सेम साइड में, उसमें दोनों साइड में दो हैं। तो इसका काम क्या होता है, जो सेलेस्टियल सिस्टम होता है ना हमारे गैलेक्सी में, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये बनाया गया है। ऐसे कोई से भी ऑब्जेक्ट होते हैं जो अलग अलग सेलेक्शन सिस्टम से या कनेक्टेड है, उसको आइडेंटिफाई करने का इसका काम होता है। हेमिस्फेरिकल होता है, इसमें कुछ अलाइनमेंट भी है पर वो मिट चुका है समय के साथ साथ। कंप्लेन नहीं करने का। एक सिलेंडर है और ये ऐसे छोटे छोटे ब्रिजेस से कनेक्टेड है, इसमें भी ओपनिंग दी हुई है। ये सेकंड वाला है, सेकंड वाला भी सेम ही है। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। हाँ भाई, तो ये रामायण अंतर है, ऐसा दो अलग अलग सिलेंडर टाइप बने हैं जो कि इसके टॉप से ओपन है, अंदर से देखा तो ये ओपन है। तो इसका काम क्या है, इसका काम ये रहता है जो ऊपर स्टार्स रहते हैं ना, उनकी पोजीशन
धरती से कितनी है उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड उसको बताने का काम ये करता था। उसे दो बने हुए हैं, ये लास्ट में पीछे यही बने हैं। यंत्र में ओपनिंग है, यहाँ से स्टेप्स दी हुई है। हाँ तो भाई ये रामा यंत्र था, इसके पीछे भी सेम टू सेम बना हुआ है। मेन जंतर मंतर का जो काम है ना वो तो सिर्फ आपको एस्ट्रोनॉमी पर्पज़ के हिसाब से होता है कि ऊपर कैसे हमको अफेक्ट कर रहे हैं, या कुछ ऐसे एस्ट्रॉइड्स तो नहीं है जो हमारे धरती पे हमको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सब उन्हीं चीज़ों के लिए बनाया गया था उस टाइम पे, 300 साल पुराना। हमें क्यों दिखा रहा है सब? सातों दिन खुला रहता तो आपके लिए फायदा ही है। देख लो भाई रोज आते हैं। मैं लाइन से तीन यंत्र तो मुझे यहीं दिख गए। यंत्रों में से सम्राट यंत्र जो होता है ना सबसे ऊंचा होता है, टॉप व्यू है ना उसमें आप देख सकते हैं। टॉप व्यू में ज़्यादा क्लियर समझ में आता है कि चारों यंत्र कौन कौन से हैं, चारों यंत्र का अलग अलग स्पेसिफिकेशन है। भाई पीछे से वापस आ चुके हैं तो ये आपको दिख रहा होगा सर्कुलर, ये है रामा यंत्र, इसके पास में ये जयप्रकाश यंत्र, और ये पास में ये सम्राट यंत्र, और इसके जस्ट सामने मिश्र यंत्र है। अगर आप यहाँ पर आते हैं और आपको कुछ भी जानकारी नहीं है तो घबराइए मत, मेरे पास कोई और रास्ता है। यहाँ पे बोर्ड्स लगे हुए हैं, सभी यंत्रों का अलग अलग इसमें बताया गया है कि कौन सा यंत्र कितना ऊंचा है, किस यंत्र का क्या पर्पज़ है। अब आए ना लाइन पे। भाई पूरा घूम लिया है, ज़्यादा बड़े एरिया नहीं है, और इसमें चार ही यंत्र है बेसिकली, स्टार्टिंग में मिश्र यंत्र, फिर सम्राट, फिर जयप्रकाश, और फिर हमारा पीछे एकदम रामा यंत्र। यही चार हैं जो जिनका पर्पज़ होता है डिफाइंड, तो अलग अलग स्ट्रक्चर हैं, तो कुल मिला के 13 स्ट्रक्चर है, पर सबको डिफाइन करा गया कि सबका अलग अलग स्पेसिफिकेशन है, तो ये काफ़ी अच्छा है। तो घूमने में काफ़ी अच्छा लगा, छोटा सा था भाई, हम तो शुरू होते ही खत्म हुए यार, बाजार बड़ा नहीं था, बाकी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा थी उस टाइम पे बनाया गया। ये बहुत अच्छा आर्किटेक्ट है जिसने बनाया। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। जय हिंद।